नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। पंचायत स्वयं सेवक अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची के राजभवन के समीप पहुंचे हुए हैं। कह सकते हैं अलग अलग जिले से यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज इनकी रणनीति बनी है कि आज ये लोग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे खास और अहम बात आपको बताएंगे कि ये लोग अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर राजधानी रांची पहुँचे हैं। एक बार आपको तस्वीर दिखाएंगे कि अलग अलग जिले से यहाँ पर पंचायत स्वयं सेवक पहुँचे हुए हैं और इनका सीधे कहना है कि आज ये लोग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि 2016 में इनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन अभी तक इन लोगों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलता है। यही अन्य मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो हम किन्हीं लोगों से ज़रूर जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि यहाँ पर महिलाएँ भी हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे। बस दीदी, हम लोग का मांग यही है, हम लोग को प्रोत्साहन राशि हटा करके उचित मानदेय दिया जाए, हम लोग का स्थानीयकरण किया जाए, यही हम लोग के सरकार से मांग है। और हम लोग के काम भी है कि जितना भी सरकार के योजना है धरातल पर उतारने का काम करते हैं। हम लोग पीएम आवास से लेकर के पारिवारिक सर्वेक्षण हो गया, पेंशन बनवाने का काम हो गया, उजना जाति स्थानीय लेकर के हम लोग पूरा ब्लॉक और पंचायत का चक्कर काटत कर पर हम लोग का ये हो जाता है। हम लोग मिला है काम करने के लिए और छह साल से हम लोग काम कर रहे हैं। प्रोत्साहन राशि हटा कर उचित मानदेय का मांग है और समय पर मिलता नहीं मिलता है। आज किसी किसी भाई बहन लोग को जब से नियुक्ति हुई है तब तक प्रोत्साहन राशि हम लोग को नहीं भी मिला है। चार सालों से बांकी प्रखंड के अंतर्गत स्वयं सेवकों को चार साल से प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। बताइए स्वयं सेवक लोग कैसे कार्य करेंगे? क्या हम लोगों का घर परिवार नहीं है? पिछले चार सालों से हम लोग फ्री में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पर जू तक नहीं रेंग रहा। इसलिए सरकार से हमारी मांग है, हमारे उचित मांगे दिया जाए, स्वयंसेवकों को अस्थायीकरण किया जाए और स्वयंसेवक का नाम हटाकर पंचायत सहायक रखा जाए। यही तीन मांगों के साथ हम लोग स्वयंसेवक संघ आज मुख्यमंत्री आवास घेराव में आए हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर प्रशासन की ओर से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। आप लोगों की रणनीति बनी है कि आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे, अब क्या करना है आप लोगों को आगे? देखिए, हमको कहना ही है, हम लोग हरिहरगंज प्रखंड से आते हैं, हमारा चार गो पंचायत जो है नगर पंचायत में चल गया है। हम लोग के बिना सूचना के, बिना हम लोग का एडजस्ट किए हुए, हम लोग के बिल्कुल कार्य से मुक्त कर दिया गया है। अब हम लोग को जो है खाली वहाँ बिचौलिया या खाली अथी किया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी को हमने कितनी बार आवेदन दिए, हमने डीसी साहब को भी दिए, लेकिन हम लोग के ऊपर कोई पहल नहीं किया जा रहा है। हम लोग एकदम साइड किया, बेरोजगार कर दिया गया है। सभी लोगों का उम्र समाप्त होने वाला है। उम्र भी देखिए हम लोग का समाप्त हो रहा है, लेकिन इसके लिए कोई सरकार एकदम सूती हुई है। हम लोग कितनी बार आप व्हाट्सएप पर भी हम लोग दिए हैं, कितनी बार को आप लोगों की नियुक्ति हुई, लगातार आप लोग सेवा दे रहे हैं, क्या आप लोग अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाए थे? कई बार हम लोग आंदोलन में आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हम लोग से बात नहीं सुन रहे हैं। वार्ता करने के लिए हम लोग क्या बोल रही है, सरकार हमारी मांग को कभी पूरा नहीं कर रही है। इससे पहले हमारी बीजेपी सरकार थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए, स्वयं सेवक के लिए। और अभी जो आई है वर्तमान सरकार, जिन्हें हम लोगों ने खुद बैठाया है उस जगह पे ताकि हमारी मांग को पूरा करेंगे, वो बोले थे कि आप लोगों को स्थायीकरण किया जाएगा, उचित मानदेय आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन वो तो साफ सुन गई है उन्हें। और क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम लोगों ने जमीन से ऊपर बैठाया ताकि हम गरीबों को, हम महिलाओं को, कितने दिन तक हम लोग पति का पैसा मांग मांग के फील्ड में सरकारी सेवा देते रहेंगे? यहाँ से डिमांड भेज दिया जाता है कि जाइए सरकारी सेवा दीजिए, ये आया है जाके सर्वे कीजिए, तो पीएम आवास देखिए, तो तेल पानी कौन करता है, खुद से करना पड़ता है। प्रोत्साहन राशि क्या मिलती है हमें? पंचायत स्वयं सेवक आप लोगों का नाम है, क्या नाम बदलना चाहते हैं? पंचायत सहायक करना चाहते हैं। पंचायत सहायक, हाँ पंचायत सहायक हम लोग को बना दीजिए। पंचायत सहायक सचिव हम लोग को होना है। हम लोग छह साल से काम कर रहे हैं, लेकिन माँ अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। हर काम हम लोग सरकार के कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग जमीन से उठा के उनके कुर्सी पर बैठा है। हम लोग के अगर नहीं ध्यान देंगे तो किंतु तब फिर नहीं होने पाएगा। कुर्सी से नीचे आना हो, अगर हम लोग के मांगे सरकार नहीं पूरी करी तो हमें लोग नारी शक्ति का वरदान ये रहेगा, कल्पना पड़ेगा उनका कि आज कुर्सी पर बैठे हैं तो आज कुर्सी से नीचे भी गिराने का हम लोग काम करेंगे, यही हम लोग करेगा। आपको एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जगह
नजर आएंगे। चूंकि आपको बता दें कि अलग अलग जिले से यहाँ पर पंचायत स्वयं सेवक आए हैं, 3 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला इनका कहना है कि लोगों को प्रोत्साहन राशि समय पर नहीं मिलता है, साथ ही साथ इनका जो नाम है पंचायत स्वयं सेवक उसका नाम बदल कर कुछ और कर दे, यानी कि पंचायत स्वयं सचिव कर दिया जाए, पंचायत सहायक सचिव कर दिया जाए। आप लगातार देख रहे हैं, इनका कहना है कि चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि पंचायत स्वयं सेवक लोगों का जो भी मांग है उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन इनका कहना है कि सत्ता में आने के बाद भी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है और अभी तमाम जो पंचायत स्वयं सेवक है इन लोगों की रणनीति बनी है कि ये लोग अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। लेकिन दूसरी ओर प्रशासन की भी यहाँ पर तैनाती की गई है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि आज ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करके रहेंगे। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर क्या कुछ पहल करते हैं और इन लोगों की जो मांगे हैं, जो समस्या है उसको कब तक सुनते हैं, कब तक दूर करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप रांची।